वाह बॉस, क्या खाना है। अच्छा हुआ आपने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दोस्ती का तो नाटक है। एक बार पेड्रो प्रेम सहाय को फिनिश कर दे, फिर उस पेड्रो को रास्ते से हटा के नए ब्रह्मांड का किंग मैं बन जाऊंगा। मिल गया मुझे पेड्रो का रिमोट। अब पेड्रो तू भी गया, तू भी फिनिश और प्रेम सहाय भी। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अलग है। अच्छा है, बच्चा सही सोच रहा है। पेड्रो उस प्रेम सहाय का क्या करे। ये कहाँ फंस गए हम। सच में पेड्रो की ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। वीर न जाने कहाँ होगा। इस स्मार्ट बॉय को सबक सिखाना होगा। शुभ बॉय, पर पेड्रो परेशान तो ले लेता है जान। लीजा, वीर द रोबो बॉय, अब 30 मिनट तुम्हारे पास है, बच सको तो बच लो। प्रेम सहाय, मेरे साथ हाथ मिला लो, वरना इन एनिमल्स की तरह तुम भी मेरे एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बन जाओगे। ये मेरा अधिकार है पेड्रो। रिवेंज, ठीक है, फिनिश हिम, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। प्रेम सहाय, तुम्हारा अब जाने का समय आ गया है, पर उसके पहले हंस क्यों रहे हो मैड मैक्स। आई डोंट लाइक इट, बट आई लाइक टू लाफ। इमली, इमली, क्या कर रही हो। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो, और तुमने अपने एक्सरे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है दादाजी। ओह, ये अलग अलग केमिकल से बना हुआ ब्लॉब है। ये जरूर मैड मैक्स की ही हरकत है। अब वीर को मेरे पास आना ही होगा। बॉस, you're genius. मियाओ। अब प्रेम सहाय और वीर कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार मैं इमली और उस चुलबुल को अपने काबू में कर लूं। जी, मैड मैक्स ने इमली के साथ चुलबुल को भी काबू में कर लिया है और एक वैन में बंद करके कहीं ले जा रहा है। अब जल्दी कुछ कीजिए। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
आपका काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे अरे इमली चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है, मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो और इमली। दादाजी, आसमान में वो बॉल फिर से गायब हो गई है। लगता है मैड मैक्स किसी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या भारी चीज मुझसे टकराई? और वो नजर क्यों नहीं आ रही? एक्सरे विजन ऑन। अरे अजीब है, एक्सरे विजन में भी कुछ नहीं दिख रहा। वीर, तुम्हारा एक्सरे विजन भी मेरे इनविजिबल पावर को देख नहीं सकता। आखिर ये सब है क्या? वीर, अब तुम पूरी तरह से फंस गए हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारी चाल इस बार भी कामयाब नहीं होगी मैड मैक्स। बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो वीर। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जहरीली गैस बड़े से बड़े रोबोट को पिघला देती है। तुम भी पिघल जाओगे। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया, मेरा। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। जाओ। ओके बॉस। क्या कर रहा है वीर? तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है। अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर। We'll be right back.
हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है। उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती। उसके अंदर रोबोटिक पावर है। ये लो, ये जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी।